गाइस, आज की जो वीडियो है वो एक ग्राइंडर के बारे में है कि हम इसको किस तरह से स्लो डाउन कर सकते हैं। ये इसकी पावर देखिए आप, एक बार 720 वाट के आसपास है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, इसलिए हम इसकी स्पीड को कम करने के लिए क्या लगा सकते हैं, उसके बारे में आज डिटेल्ड वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। चलिए देखते हैं किस तरह से ये काम करेगा सब। इसके लिए हमें एक तो ये 1000 वॉट का रेगुलेटर चाहिए होगा। ये आप रेगुलेटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक भी ले सकते हैं और वो स्विच वाला भी ले सकते हैं, वो जो आपको ठीक लगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक है जो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। देखिए और एक हमें लकड़ी ज़रूरत पड़ेगी, एक हमें ये स्विच चाहिए। इसके बाद मैं आपको ये सभी जो है वो बॉक्स में लगा के दिखाता हूँ किस तरह से वो कनेक्शंस करने हैं आपने। ये देखिए मैंने इसके कनेक्शंस कर दिए, यहाँ पे रेगुलेटर लगा दिया और ये स्विच होगी और ये आपका प्लग को लगा दिया। आइए देखते हैं, ये रेगुलेटर से जो वायर आती है वो एक आपने इसके डाउन वाले में लगा देनी है और एक जो है वो प्लग का जो राइट हैंड साइड पर उसमें लगा देनी है। और लेफ़्ट से हम सर्किट लेंगे, एक लेफ़्ट में लगाएंगे और एक ये ऊपर लगा देंगे इसको। आप एक बार फिर से देख लीजिए, मैं फिर आपको बता देता हूँ। एक वायर जो है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है और दूसरी वायर जो है वो आपने यहाँ पे लगा देनी है और एक जो है वो प्लग की वायर है वो हमने एक यहाँ पे लगानी है और दूसरी जो वायर है वो प्लग के बीच में लगानी है और एक स्विच के बीच में। और उसके बाद ये जो है वो हमने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया है रेगुलेटर को। ये देखिए एक बार मैं आपको नॉर्मल चला के दिखाता हूँ ये किस तरह से चलता है ये, और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है। अब हम इसकी जो प्लग में स्विच लगाते हैं चेक करते हैं कि किस तरह से ये काम करेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये स्लो डाउन हो जाता है और फिर आप अपनी जैसे भी आपको चाहिए वहाँ पे आप इसको स्पीड रख सकते हैं उसकी। ये देखिए अब हम इसको प्लग के अंदर इसकी स्विच को लगाएंगे और यहाँ से आप प्लग ऑन करें। ये देखिए यहाँ से ऑन करने के बाद हमने ऑन कर दिया, यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी ये चला नहीं है, ये चलेगा कहाँ से, ये यहाँ से चलेगा। जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे ये स्पीड इसकी सबसे पहले ये स्लो डाउन पे चलेगा, फिर जैसे जैसे आप इसके रेगुलेटर को ये घुमाई जाएंगे वैसे वैसे ये तेज़ होता जाएगा। देखिए ये अब इसकी सबसे स्लो डाउन स्पीड है, और देखिए जब से मैं रेगुलेटर घुमा रहा हूँ ये देखिए देख रहे होंगे। एक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा देर तक इसको ऐसे ना चलाएं, बीच में पॉज ज़रूर लें क्योंकि कई बार सर्किट ज़्यादा हो सकता है इसका। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू।